तो आज का मौसम देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है। आज मौसम बारिश का बन गया पूरा पूरा, बहुत हवा चल रही है आज। और ये मालगाड़ी खड़ी हुई है, तो गर्मी से कुछ राहत मिलेगी इस बीच में। तो पैसेंजर भी आए हुए हैं, पैसेंजर वेट कर रहे हैं अपनी पैसेंजर गाड़ी का। तो ये खड़ी हुई है अभी कोयले की गाड़ी, तो देख सकते हैं इसमें कोयला भरा हुआ है। तो 70 टन ये होती है, इसका जो टोटल भार क्षमता है इसकी 70 टन है। तो डबल पाइप वाले होते हैं ये, देख सकते हैं डबल पाइप, आप इनमें डबल पाइप, इसमें प्रेशर होता है। तो असल में रेल को इनकम इसी से है कोयला का। और आप लोग कमेंट करेंगे कि इस बार कोयले का जो स्थान रहा है राज्यवार, कि कौन सा राज्य कोयले के उत्पादन में प्रथम रहा है, उसका कमेंट करेंगे। तो यहाँ से ये गाड़ी जाएगी, अभी तो खड़ी हुई है क्योंकि इसका क्रॉसिंग है पैसेंजर ट्रेन से, तो इस बस से ये यहाँ खड़ी हुई है। तो बहुत बड़ी गाड़ी है, कम 25-30 से ऊपर ही डब्बे होंगे, तो 30 से ऊपर डब्बे होंगे इसमें। तो देख सकते हैं अभी खड़ी हुई है मेन लाइन पे। तो हाँ, ये मालगाड़ियाँ चलती रहती हैं इस रूट पे। तो सेंटिंग का काम होगा इसका आगे जाके, अगले स्टेशन पे सेंटिंग होगी इसकी। तो कोयला भी वहीं उतरता है इसका, यहाँ कोयले उतरने की कोई जगह है नहीं, तो लोडिंग अनलोडिंग का काम आगे ही होता है अगले स्टेशन पे। तो अगली ट्रेन आएगी जब उससे क्रॉस होगा, तो क्रॉसिंग का सीन आप लोग को दिखाऊंगा। तो देख लीजिए इस तरीके से। आज अपने स्टेशन पर खड़ी हुई है मालगाड़ी, तो इसका क्रॉसिंग है पैसेंजर गाड़ी से, तो इस वजह से ये खड़ी हुई है यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली स्पिरिट आता हुआ है इन टैंकरों में। कितनी लंबी है ये, ड्यूल पाइप वाली होती है, दिखा देता हूँ आप लोग को मैं। ये देखिए ड्यूल पाइप वाला है, तो बहुत बड़ी वो है।